कैसे हैं सारे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स और मेरे सारी अच्छी फ्रेंड्स। अच्छी मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सी गर्ल्स या फ्रेंड्स मेरी जो होती है मेरी वीडियोस को नहीं देख रही और सब्सक्राइब भी नहीं कर रही, लाइक भी नहीं कर रही और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताती भी नहीं है। अल्लाह जाने क्यों नहीं करती है, शायद लोगों को मेरी वीडियोस पसंद नहीं आती। लेकिन क्या नहीं पसंद आ रहा ये भी आप मुझे बताया करें ना, ताकि मैं अपने कुछ करेक्शन कर सकूं और उस पर वर्क करूं कि आप लोगों को क्या नहीं पसंद आ रहा। तो उससे पहले कि मैं बताऊं कि मैं किस लिए आई हूं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएँ। उसके साथ ही शेयर भी कर दें। तो आज वेदर यू नो कि पाकिस्तान का ऐसा हो गया है कि मैंने पिछले कई सालों से मैंने ऐसा वेदर नहीं देखा, लेकिन पिछले साल भी कुछ ऐसे था कि जून मई जून में तो बहुत शदीद वाला गर्मी और अब से होता था, लेकिन कल अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई और मौसम काफ़ी कूल हो गया और इस वजह से बीमारियां भी निकल आई, जिसम में दर्द हो, ये वो गला ख़राब, ये बच्चे क्योंकि ठंडा पानी पी रहे हैं, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं तो एवॉइड कीजिए ठंडा पानी से। आज मैं हेयर्स के मुतलिक एक इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कि हेयर्स जो होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है और ये गिफ्ट को जैसे आप गिफ्ट कोई आता है घर में आता है तो आप उसकी केयर करते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने जो आपको बॉडी दी है या ये जो हेयर्स दिए हैं इसको संभाल के रखिए। और अल्लाह ताला ने ज़िंदगी एक ही दफ़ा दी है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उसकी केयर करें। और अगर आप केमिकल का वर्क, जैसे मेरे बालों में कई सालों से केमिकल का वर्क हो रहा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हेयर फॉल नहीं होता, अगर होता भी है तो मैं उसकी रेमेडी आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ, आप मेरी वीडियोस को देखिए, अगर नहीं देख रहे तो दोबारा मैं बता दूँगी। सबसे अच्छा होता है कि आप जो है ना अनियन ऑयल, अनियन का जूस जो होता है ना वो निकाल के अपने जड़ों में लगाएं, दही का, अंडे का, केले का और इसका मास्क लगाएँ, और नहीं तो फिर आप मेरे पार्लर में आ जाइए तो आपका प्रोटीन ट्रीटमेंट, ब्लो आउट वगैरह और कैरेटिन से आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। जब भी आप अपने बालों में, मैं हमेशा कहती हूँ कि गंदे बालों में आपने अपने तेल नहीं लगाना, गंदे बालों में तेल लगाने का मकसद ही होता है कि अगर फ़र्ज करें कि आपके हेयर्स पे तेल लग गया लेकिन वो जड़ों के अंदर नहीं जाता, फ्रेश बालों में, साफ बालों में तेल लगाना चाहिए ताकि वो अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए और फिर वर्क करे। तो सबसे पहले तो आप, और जो ओवर नाइट लगाते हैं, लगाने कोई हर्ज तो नहीं है लेकिन वर्क तो वो उसने 15 या 20 मिनट आधे घंटे में ही करना। नीम गर्म तेल लगाया करें अपने बालों में, अच्छी तरीके से मसाज करें और उसके बाद आप जड़ों में भी, रूट्स में भी लगाया करें और उसके अलावा एंड्स पे भी लाजमी लगाया करें और फिर किसी शावर कैप से या किसी स्टीम भी दिया करें। ये तो हो गया ऑयलिंग, और उसके बाद शैम्पू करें। शैम्पू आप कोई सा भी ले सकते हो जो आपके बालों के अकॉर्डिंग टू, अगर ऑयल वाले ऑयली हेयर्स हैं आपके तो ऑयल फ्री शैम्पू इस्तेमाल करें और कम से कम केमिकल वाला तेल इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा। उसके बाद आफ्टर केयर लगाने जा रही हूँ जो कि हर गर्ल्स को, हर वुमेंस को और उसके अलावा हर मेंस को और लड़कों को, सबको इस्तेमाल ये करना चाहिए। हीट प्रोटेक्टर जो है ना बहुत ज़रूरी होता है अपने बालों में, हीट प्रोटेक्टर आप लाजमी इस्तेमाल कीजिए। जब हीट प्रोटेक्टर है क्या, तो हीट प्रोटेक्टर सीरम होता है जो कि आपको डिफरेंट किस्म के मार्केट में मिल जाएंगे। मेरे पास ये फ़िलहाल प्रीमोट का भी हीट प्रोटेक्टर है, ये आप स्प्रे कर लीजिए वेट बालों में, जब आपके थोड़े से गीले बाल हों तो उसमें आप स्प्रे करिए और जड़ों में नहीं करना, सिर्फ इस नीचे नीचे लगाना है और इस तरीके से आप लगाएं और उसके बाद आप रैप कर लीजिए और जो आप खुला रहने दें उनके बालों को तो अच्छे से अच्छे से हीट प्रोटेक्टर हो जाएगा। सन में अगर आप कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो हीट प्रोटेक्टर का बहुत ज़रूरी। इसके अलावा ये मैंने शॉप्स का उसका भी एक हीट प्रोटेक्टर लिया है, ये भी बहुत अच्छा है। मैं लोकल अगर बात करूँ तो एक और है सीरम, रूट लिफ्टिंग का सीरम है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये एक और है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास ये सब चीज़ नहीं भी है, आप परेशान होंगे कि हमें ये सब कुछ दिखाया जा रहा है और ये कॉस्टली भी होते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव हो गए, जैसे हर चीज़ की कीमत बढ़ गई तो इन सब चीज़ों की कीमत बढ़ चुकी है, तो आप कुछ भी ना करें, आप एलोवेरा जेल लें जो बाज़ार में मिल रहा है, या उसके अलावा पौधा लें और उस पौधे को काटें, उसका जो जेल होता है वो निकालें और उस तरीके से भी आप अगर लगाएंगे वो भी हीट प्रोटेक्टर का काम देता है, ठीक हो गया। उसके अलावा तेल, मैं आपको बताऊँ तेल मैंने इस किस्म के उस बोतल में रखा हुआ है और ये बड़ी अच्छी बोतल है, ये अमूमन आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगी, जैसे किसी मशीनरी की दुकान से मिल जाती है तो
वो आप ले लीजिए। और इसमें आप, मैंने इसमें जो किया हुआ है अनियन जूस भी है, इसमें विटामिन सी के कैप्सूल भी हैं और कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल मेरे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि मैं कोकोनट ऑयल के लिए नहीं खाती। इसके अलावा अगर आप किसी सैलून में गए हैं और आपको कोई स्टाइलिंग करनी है या आपने कहीं फंक्शन में जाना है, घर में आपने स्टाइलिंग करनी है, तो घर में स्टाइलिंग लड़कों के लिए तो ये होता है कि वो फटाफट जेल ले लेते हैं, जिससे ये एक सेट वेट जेल है, इसको लिया और लड़कों ने या लड़कियों ने लगा लिया और इससे भी अच्छे स्टाइलिंग आ जाती है हेयर्स में। और इसके अलावा भी मेरे पास डिफरेंट किस्म के जेल हैं, जैसे गार्नियर का जेल है, ये भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मूस ले लें कोई अच्छा सा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये नवा गोल्ड का मूस है, ये जो है स्टाइलिंग मूस है, ये आप गीले बालों में अगर नवा गोल्ड का मूस लगाएं और उसके बाद स्टाइलिंग दें अपने बालों को, तो ये भी अच्छा प्रोटेक्टर होता है। लेकिन एक और भी एक है, इसके अलावा मैं एक और मूस दिखा रही हूँ जो कि एवेलिन का है, बहुत अच्छा है ये भी। ये स्ट्रॉन्ग मूस है, मतलब ये होल्ड अच्छे तरीके से करेगा और लॉन्ग लास्टिंग होता है ये मूस। उस टाइम आप लगाएंगे प्रोफेशनली, वैसे मैं कहूँगी घर में ना ही लगाएं, बच्चियाँ तो उनको को पता तो होता नहीं, पहले वो हमसे ट्रेनिंग ले लें या मेरी वीडियो को सेव कर लें तो उसमें भी आपको पता चल जाए। ये आपने वेट हेयर में लगाना है और इसको हर प्रोडक्ट को कभी भी आपने रूट्स में नहीं लगाना, ठीक हो गया। मूस लगाने के बाद आप उसको ब्लो ड्राई कीजिए, स्ट्रेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने स्प्रे, डिफरेंट किस्म के स्प्रे आ गए हैं मार्केट में, ये होल्ड के स्प्रे होते हैं, जब भी आपको OCS के स्प्रे हो गए या ये जो हिबास कलेक्शन का कोई स्प्रे है या नोवा गोल्ड का स्प्रे है या एक और स्प्रे मैं आपको दिखाऊं, ये कोई कंपनी है सेबलियन कोई कंपनी है उसका है, लेकिन मैं ये बताऊं कि मार्केट में ना इसकी कॉपीज़ आ गई हैं, जो नोवा गोल्ड हो गया और इसकी कॉपीज़ आ गए, जो हम ब्यूटिशन को पता होता है, जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि ये जो है ये इफेक्टिव नहीं रहे, तो जब हम इनके करते हैं तो स्टिकीनेस आ जाती है और बाल जो होते हैं बड़े रफ रफ से और एकदम टाई हो जाते हैं, तो हम वर्क नहीं कर पाते। तो सबसे अच्छा OCS का होता है या टाइट टार्ट का होता है, वो आप ले लीजिए, वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं आपको ज़रूर उसकी दिखा देती। इसके अलावा अगर आप बालों में अगर करने जा रहे हैं, स्टाइलिंग करने जा रहे हैं या ब्लो ड्राई करने जा रहे हैं, तो आपको फील कोई क्लाइंट हमारे पास आ गया और वो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, रिकमेंड करूँगी कि सबसे पहले आप उनका सर वॉश करें। अगर वह हेड वॉश नहीं करवाना चाहती है, बहुत जल्दी में है और उनको कहती नहीं भैया अभी हमारे पास टाइम नहीं है, या आप कर्लिंग कर रहे हैं या ब्लो ड्राई कर रहे हैं, तो आपको फील होना शुरू हो जाता है आफ्टर हेयर प्रोटेक्टर स्प्रे के बाद, आपको फील होता है कि ऑयल आना शुरू हो गया या हमारे क्लाइंट के ऑयल है, तो फिर आप ड्राई शैम्पू मिलता है डिफरेंट किस्म के जो मिलते हैं उसका स्प्रे करें और उससे स्टाइलिंग दें, तो यकीन करें कि बाउंस भी आ जाएगा, फ्रेश भी हो जाएंगे और बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये तो सारा जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ये हेयर्स के ऊपर है। एक और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, डिफरेंट किस्म के जो वुमेंस चाहती हैं कि किसी फंक्शन में जाएँ और वो चाहती हैं कि मैं स्ट्रिक्स ना हो और डिफरेंट किस्म के, वो उनका दिल भी कर रहा होता है, तो इस किस्म के जो स्प्रे भी मिल रहे होते हैं, आप स्प्रे करें अपने हेयर्स में और स्ट्रिक्स करें या डाई का लुक ले आए और आप इंजॉय करें। मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी मेरी सारी वीडियोस के साथ, अगर अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइए। अगर अभी तो मैं और भी बहुत कुछ बताने लगी थी लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप देखेंगे नहीं। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मुझे दुआओं में याद रखा करें, मुझे दुआओं की सख्त ज़रूरत है।